नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन के स्लॉट बुकिंग के बारे में। अगर आपकी अभी तक आप स्लॉट की बुकिंग नहीं कर पाए हैं, आपके काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी आपके स्लॉट बुक नहीं हो पा रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से कुछ टिप्स को फॉलो करने के बाद में आपकी जो स्लॉट हैं वो 100% बुक होगी। ये मैं आपके साथ दावा कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरी देखें और मेरे द्वारा बताए गए कुछ टिप्स हैं उनको आप फॉलो करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कोविड वैक्सीन का स्लॉट बुक करने से पहले हमें सबसे पहले हमारा रजिस्ट्रेशन कर लेना है। एक मोबाइल से 4 हमारे फैमिली मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोविन की वेबसाइट को ओपन करें, उसके माध्यम से आप अपने रजिस्ट्रेशन करें, या फिर मैं कहूँ उमंग ऐप या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आप एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि अभी वेबसाइट का एरर है, आप एक मेंबर का 2 मोबाइल नंबर में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि एक ही मेंबर को आप 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह भी आप सेम डिटेल से भी रजिस्टर कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ लें, एक व्यक्ति का अगर आप 2 जगह से 2 मोबाइल में अगर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और दोनों मोबाइल से आप एक साथ स्लॉट बुक करने का प्रयास करते हैं, तो हो सकता है कि एक मोबाइल से तो कम से कम उनका स्लॉट बुक हो जाए। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के बाद में हमारी जो ट्रिक है वो सेकंड नंबर है, स्लॉट नोटिफिकेशन। अब हमारी सेकंड नंबर की ट्रिक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके बारे में कई सारी मेरी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। आप पेटीएम के माध्यम से भी अपने मोबाइल पर स्लॉट का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने ज़िले या अपने पिन कोड का अपने मेल पर भी आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। आप दोस्तों अपने टेलीग्राम पर भी अपने ज़िले या अपने पिन कोड का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। दोस्तों अब हमारा पॉइंट नंबर 3 है, नो योर एरिया पिन कोड एंड स्लॉट ओपनिंग टाइम। इससे तात्पर्य है कि आपके ज़िले में जो आपका पिन कोड है, आपके एरिया के जो हॉस्पिटल हैं उनका आपको पिन कोड सर्च कर लेना है और पिन कोड के माध्यम से ही आप बुकिंग करें। आप सर्च बेशक ज़िले के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन जब आप बुकिंग करना स्टार्ट करें स्लॉट की, तो उस समय आप अपने पिन कोड के माध्यम से ओपन करें। उसमें क्या होगा, आपके लिमिटेड हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे PSC CSC वो ओपन होंगे और उनमें आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा। झट से आप अपने स्लॉट की अवेलेबिलिटी दिखते ही और बुक कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने एक इम्पोर्टेंट बात को लिखा है, वो है स्लॉट ओपनिंग टाइम। अपने टेलीग्राम पर आपको नोटिफिकेशन जब मिलने लग जाएंगे, तो उसमें आपको 2 से 3 दिन में अपने ज़िले का आइडिया हो जाएगा कि किस टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपके ज़िले के स्लॉट ओपन हो रहे हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट और बहुत इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है, लॉगिन एंड ऑटो लॉग आउट प्रोसेस। अब इसमें आपको करना क्या है कि आपके जैसे ही ज़िले का अपने पिन कोड के स्लॉट ओपनिंग स्टार्ट हो जाएं, तो उसी समय आपको लॉगिन कर लेना है, क्योंकि लॉगिन प्रोसेस जो है ये बहुत ही क्रिटिकल है। क्योंकि अगर आपने पहले से लॉगिन किया हुआ है और लॉगिन करने के बाद में अगर आपने उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया है, या फिर आप 10 से 15 मिनट उसमें कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, और दोस्तों अगर आपको अचानक से अपने जो आसपास के क्षेत्र है उसमें स्लॉट की अवेलेबिलिटी दिख जाती है और जब आप बुक करना जाएंगे, तो लास्ट में आपको ऑटोमेटिक सिस्टम से एरर प्राप्त हो जाएगा, और अगर आप पुनः लॉगिन करेंगे तब तक आपकी स्लॉट की जो सारी जो अवेलेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमारा ऐप हो या फिर हमारी वेबसाइट हो, इनका ऑटो लॉगआउट सिस्टम जो है वो 15 मिनट में इसको लॉगआउट कर देता है। इसलिए आप एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप लॉगिन करें उसमें 15 मिनट का आप ध्यान रखें कि आपके 15 मिनट में ऑटो लॉगआउट हो जाएगा। आपके जब भी स्लॉट की अवेलेबिलिटी स्टार्ट हो, जब भी आपके स्लॉट ओपन होना स्टार्ट हो जाएँ, तब आप अपने सिस्टम को लॉगिन करें, चाहे आपका मोबाइल हो, आपका कोई ऐप हो या फिर वेबसाइट हो। उसके बाद में 10 से 12 मिनट के बाद में उसको आप लॉगआउट कर लें। लॉगआउट करने के बाद वापस उसको लॉगिन करें, जिससे कि आपकी जो लॉगआउट की जो परेशानी है वो आपकी ख़त्म हो जाए। इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 5 आता है हमारा, प्रैक्टिस मैनी टाइम्स। इससे मेरा तात्पर्य है, अगर आप एक बार प्रयास करने के बाद हताश हो जाते हैं तो आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है। इसलिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप अगर एक बार में फेल हो जाते हैं अपने स्लॉट की बुकिंग में, तो आपको पर डे जब भी आपके स्लॉट ओपन होते हैं प्रयास करना है, और पर डे आपको बेटर से बेस्ट करने का प्रयास करना है, जिससे कि आपके स्लॉट की बुकिंग हो। मैंने खुद अपने परिवार के जो स्लॉट हैं उनको बुक करने में 3 से 4 दिन का मुझे समय लगा है, इस सिस्टम को समझने में, नोटिफिकेशन प्राप्त करने में, और इसके बाद में स्लॉट की बुकिंग करने में। इसलिए आपको हताश बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट जो दोस्तों पॉइंट है वो है, बुक अपॉइंटमेंट विदाउट कैप्चा।
अब इसमें जो हमने जो पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है 1 से 5 पॉइंट के बारे में, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, इन ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो आपका बुक हो जाएगा। और अगर आप उमंग ऐप के माध्यम से या फिर आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से अपने स्लॉट की बुकिंग करते हैं, तो आपको विदाउट कैप्चा आपका जो स्लॉट है वो बुक हो जाएगा। अब इसमें लास्ट आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको स्लॉट की अवेलेबिलिटी मिलती है तो उसमें आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है आपका टाइम स्लॉट का, 4 जो टाइम के स्लॉट होते हैं उनका भी जो अलग अलग से डिवाइडेशन होता है टोटल स्लॉट में से। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आप फर्स्ट वाले को कम से कम चूज करें, उसके बाद में आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला जो हमारा टाइम स्लॉट है उसको आप चुनें। क्योंकि अगर आप फर्स्ट वाले को चुनेंगे तो हो सकता है आपको फर्स्ट में बहुत सारी सीटें दिखाई दें, लेकिन जब आप बुकिंग करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको बुक्ड दिखाई दे। इसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप अपने टाइम के स्लॉट को अच्छी तरीके से सेलेक्ट करें, जिसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ को आप चयन करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप फोर्थ वाला जो शेड्यूल है आपका टाइम शेड्यूल, उसको आप चयन करने का प्रयास करें। नेक्स्ट इसमें लिखा है अबाउट ट्रिक्स अप्लाइड इन वेबसाइट एंड उमंग एंड आरोग्य सेतु ऐप। आप इन सभी ट्रिक्स को अपने मोबाइल में कोविन की वेबसाइट पर, आरोग्य सेतु ऐप पर या फिर उमंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं मेरा आपको ओपिनियन बताऊं तो मैं आपको सबसे ज़्यादा प्रेफर करूंगा उमंग ऐप के बारे में, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही आसानी रहेगी अपने स्लॉट की बुकिंग के लिए। आपको विदाउट कैप्चा आप उमंग ऐप के माध्यम से भी अपने स्लॉट की बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हों, तो आप वीडियो को लाइक करें, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए, और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।